जिस वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट चाह हमारे मन में होती है उसके अप्राप्त होने पर दुख होता है, बेचैनी होती है। किसी का पुत्र बीमार है, मरणासन है, तब उसको बचाने के लिए कितनी व्याकुलता होती है। किसी का हृदय फेल हो रहा है, तब उसको कितनी व्याकुलता होती है जीवन की। परंतु यहां सारा कर्म फेल हो रहा है, मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है, इससे बढ़कर जीवन की असफलता और क्या होगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि भजन नहीं होता, क्या करें? भजन होता नहीं है या करते नहीं हैं? वे कहते हैं करना चाहते हैं परंतु होता नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती है। जिसको धन की चाह रहती है उसको धन की याद नहीं रहती, ये कैसे माना जाए? जो भूखा है वह भोजन को भूल जाए, ये कैसे माना जाए? भगवान केवल चाह से मिलते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी कहते हैं, जब किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और वह वस्तु अत्यंत आवश्यक होती है, तब उसके ना मिलने पर दुख होता है, यह स्वाभाविक है। परंतु यदि वह वस्तु अनावश्यक है, तब मिली या नहीं मिली कोई बात नहीं। यदि मिल गई तब कौतूहल होता है और नहीं मिली तो कोई हर्ज नहीं, दुख नहीं होता। परंतु जो वस्तु आवश्यक है, जो जीवन में जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जिसमें मन की अत्यंत प्रीति है, ऐसी वस्तु न मिलने पर दुख होता है। एक सज्जन ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए, परंतु न तो भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ और न भगवान प्राप्त हुए, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो भगवान जानते हैं, अपने तो जानते नहीं, फिर क्या बताएं? लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भगवान के ना मिलने पर क्या आपको दुख है, और प्रेम ना मिलने पर आपके चित्त में अत्यंत बेचैनी है क्या? वे बोले कभी कभी होती है। मैंने कहा कि यदि होती है तो बड़ा अच्छा, लेकिन आपने कोई व्यापार किया होता यह सोचकर कि इसमें इतना लाभ होगा और उस व्यापार में लाभ की जगह घाटा हो जाता, तब उस स्थिति में जैसी बेचैनी होती है वैसी बेचैनी होती है क्या? उन्होंने कहा वैसी तो नहीं है। वे सच्चे व्यक्ति हैं, उन्होंने ठीक ठीक बता दिया। जब संसार की वस्तुओं के ना मिलने पर जैसी बेचैनी होती है वैसी बेचैनी भगवान के ना मिलने पर नहीं होती है, तब यह मानना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति की जैसी चाह होनी चाहिए वैसी चाह हमारे अंदर पैदा नहीं हुई है। उस सज्जन ने कहा कि आप एक बड़ी सीधी बात बताते हैं कि भगवान का मिलना सुलभ है, परंतु मुझे तो इतना साधन करने पर भी नहीं मिले। मैंने उनसे कहा भैया, भगवान का मिलना सुलभ इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म के फल नहीं है, भगवान चाह के फल हैं। संसार के जितने भी भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां और प्राणी हैं, ये सब के सब कर्म से मिलते हैं। वैसा कर्म पहले बना हुआ होता है तभी उनका वैसा फल मिलता है। संसार की प्रत्येक स्थिति अवस्था की प्राप्ति में कर्म अपेक्षित है, वह चाह से, इच्छा से नहीं मिलती। धन की चाह, मान की चाह और अधिकार की चाह कौन नहीं करता है, परंतु सबको नहीं मिलता है। इनके लिए लोग अनन्य चाह करते हैं, रोते हैं, रात दिन रोते हैं, परंतु निराशा ही मिलती है। कठोर परिश्रम करने पर भी, चाह करने पर भी धन नहीं मिलता है, परंतु भगवान चाह करने पर मिल जाते हैं। इसलिए भगवान का मिलना सहज हुआ या नहीं? वे बोले इस दृष्टि से सहज है। फिर मैंने पूछा आपने धन की जितनी चाह की उतनी चाह भगवान के लिए भी की, क्या आप ऐसा मानते हैं? उन्होंने कहा उतनी चाह नहीं की,
तो मैंने उनसे कहा, जब आपको भगवान से मिलने की चाह ही नहीं है, तब भगवान को आपसे मिलने की क्या परवाह है? आप सरीखे लाखों भक्त हैं। भगवान अपनी चाह करने वाले को मिलते हैं, यह सत्य है। वे यह नहीं देखते कि चाह करने वाला कौन है, यह उनकी दया है। वे यह नहीं देखते कि ब्राह्मण है या चांडाल है। वे नहीं देखते हैं कि यह पुरुष है कि स्त्री है, विद्वान है या मूर्ख है। वे यह भी नहीं देखते हैं कि उसके अब तक के जीवन इतिहास में पाप हैं या पुण्य हैं, परंतु चाह तो देखते ही हैं। चाह है और नहीं मिले, इसका अर्थ है कि चाह में कमी है। चाह है कि नहीं, इसकी कसौटी है तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। इच्छित वस्तु के ना मिलने पर भयानक दुख होता है। इसी प्रकार भगवत प्रेमी को भगवान का स्मरण नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? इसलिए नहीं भूलता है कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है। जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है, उसके ना मिलने पर व्याकुलता होती है। जिसकी आवश्यकता होती है, उसके ना मिलने पर व्याकुलता, बेचैनी होना स्वाभाविक है। जो चाहते हैं वैसा ना होने पर बेचैनी होती है। जैसे कहीं जाने के लिए तैयार होकर स्टेशन पर जाएं और देखते देखते गाड़ी छूट जाए, तब बड़ा दुख होता है। यह कसौटी है। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान का मिलन चाहते हैं, तब इसके लिए छटपटाहट व्याकुलता अपने मन में होती होगी। अगर नहीं होती है, तब चाहते ही नहीं हैं, यह सीधी बात है। आप चाहते हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आप व्याकुल हैं अथवा नहीं। अगर व्याकुल नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आप चाहते नहीं हैं। अतएव भगवान से मिलने की चाह पैदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का मिलना किसी साधना का फल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए विधियों की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि इतना लाख जप करने पर भगवान मिल जाएंगे। यह ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन उतने लाख की आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बंधा नियम नहीं है कि इतने मोल में मिल जाएंगे। वे तो बस चाह से मिलते हैं। जिसकी जैसी चाह हो, जो भगवान के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है, भगवान भी उसके लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। जो भगवान से शीघ्र मिलना चाहते हैं, भगवान भी उससे उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें एक ही बात देखनी है कि हमारी चाह वास्तविक है या नहीं, और इस चाह में वृद्धि करनी है। अद्वैत वेदांत में भी यही बात है, वहां पर भी मुमुक्षा की आवश्यकता है। जब तक तीव्र मुमुक्षुत्व जागृत नहीं होता, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में मुमुक्षा के भेद किए हैं, मंद, मध्य, तीव्र, तीव्रतर और फिर तीव्रतम। आगे जाकर फिर इनके भी तीन तीन भेद हैं। लोग चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, यह अच्छी बात है, परंतु मोक्ष के लिए त्याग आवश्यक है और इस त्याग के लिए तैयार नहीं है। यह मंद मुमुक्षा है। तीव्र मुमुक्षा वह है जिसमें मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार भगवान के प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम और अनन्य होती है, जहां दूसरी चाह ही ना रहे और यह चाह अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। वहां देश, काल,
पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पात्र कौन है, वह देश कौन सा है, वह काल कौन सा है, इसका विचार नहीं रहता। देश, काल और पात्र ये जगत की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं। भगवान सार्वदेशिक हैं, सार्वकालिक हैं और सबके हैं। भगवान कहां, कब, किसको नहीं मिल सकते? भगवान सबको मिल सकते हैं, जो चाहे उसको मिल सकते हैं। भगवान की चाह यह अत्यंत आवश्यक चीज है। केवल इसे ही साधक को पैदा करना है। जितने भी जप तप होते हैं वे सब इसी बात के लिए होते हैं, चाहे हम उनका नाम कुछ भी रखें। सबका ध्येय यही है कि भगवान को प्राप्त करने की एकांत चाह हृदय में उत्पन्न हो जाए। दूसरी सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके मनुष्य जब एकमात्र इच्छा से केवल भगवान को चाहता है, तब पूर्व के किसी कर्म की, किसी भाव की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं मिल जाते हैं। फिर इससे भी आगे की एक और बात प्रेमी की होती है, वो ये कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता है। यह बड़ी विलक्षण बात है। जो मिलन भजन को रोक दे, वह मिलन प्रेमी के लिए वांछनीय नहीं है। जो मिलन भजन में बाधक हो जाए, वह मिलन भक्त को वांछनीय नहीं है। भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। वे मानते हैं कि भगवान मिल जाएं और मैं उनका भजन छोड़ दूं, ऐसा मिलन मुझको नहीं चाहिए। इसका परिणाम होता है कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं मिलूं, बुला लेते हैं, स्वयं उसके पास चले जाते हैं सब तरह से। व्रज की दो प्रकार की भक्त गोपियों का वर्णन है। एक वे जो केवल और केवल भगवान को चाहती हैं, और दूसरी जो भगवान के साथ साथ जगत को भी चाहती हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियां। इतना बड़ा सुंदर इतिहास है। वे ऋषि पत्नियां घरों में रहती थीं, उनके यहाँ यज्ञादि होता, नित्य यज्ञ एवं भगवान का पूजन होता, अग्निहोत्र होता, तमाम वैदिक आचरण घर में होते रहते और वे बहुत प्रसन्न रहती। परंतु इनके मन में एक वासना थी। इन्होंने श्री कृष्ण के संबंध में यह सुन रखा था कि वे साक्षात भगवान हैं। ये उनसे मिलना चाहती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी। परंतु इन ऋषियों के घर में दिन रात वैदिक कर्मकांड होता रहता था, जिसमें पार्श्व भागिनी चाहिए और यज्ञ की तैयारी से इन्हें अवकाश समय ही नहीं मिलता था। इससे उनका चित्त व्याकुल रहता था। उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि कभी श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। ये ब्राह्मण देवियां अपने मनों में निरंतर दर्शन की कामना किया करती। उधर यज्ञ हो रहे हैं और इधर इनके मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही विचार करती कि कैसे भगवान से मिलन हो जाए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जंगल में तो आते होंगे, कभी जब भोजन का समय होता तब हमारे यहां आ जाते तो उस समय उनको भोजन करा देती। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपने पतियों का डर भी लगता था कि वे ग्वाले सब बेपढ़े लिखे अहिरों के लड़के हैं, वे यदि यज्ञ में आ जाएं तो हमारे पंडित जी लोग कह दें कि नहीं जिमाएंगे, तब तो बुरा होगा, तो वे डर जाती। ऐसा ही होता है कि बात पहले मन में आती है फिर क्रिया में आती है। एक दिन मंगलमय प्रभात में भगवान अपने सखाओं के साथ वन में गए। भगवान की लीला से उस दिन घरों से छाक आने में विलंब हो गया। कभी कभी छाक वे स्वयं साथ लाते और कभी बाद में घरों से आता था, उस दिन साथ नहीं लाए थे। इनका कार्यक्रम सब पहले से बना बनाया होता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, गीता अध्याय 11। उस दिन खाद्य सामग्री साथ लाए नहीं और देर होने लगी तो सखाओं ने कहा, कन्हैया भूख लगी है। कन्हैया बोले, क्यों नहीं घर से लाए, अब मैं क्या करूं? सखाओं ने कहा, तुम्हीं ने तो कहा था कि आज छाक मत ले चलो, इसलिए हम नहीं लाए। इस पर कन्हैया ने कहा,
अच्छा एक कार्य करो, थोड़ी दूर पर ऋषि मुनि वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भगवान के लिए प्रसाद बना है, अच्छा अच्छा पकवान बना है। तुम लोग जाओ और इन द्विजों भूदेवों पृथ्वी के देवताओं से कह दो कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ जंगल में आए हैं, उन्हें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सखाओं ने कहा वे दे देंगे। कन्हैया ने कहा जाओ मांगो। देखो जब भूख लगी है तब जरा चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें भूख लगी ही थी इसलिए बेचारे गए। वहां यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। यज्ञ धूम से आकाश मंडल आच्छादित था, बड़ा सुंदर दृश्य था। वे सखा जाकर वहीं खड़े हो गए। एक पंडित जी द्वारा वहां आने का प्रयोजन पूछने पर बोले हमारे कन्हैया को बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। उन्होंने कहा कौन कन्हैया? तब सखाओं ने कहा हमारे श्याम सुंदर। पंडित जी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वे बेचारे डर के कारण भाग गए और आकर कन्हैया से बोले कि खाने को तो कुछ नहीं मिला, हाँ फटकार जरूर मिली। फिर कन्हैया ने कहा ऐसा करो कि जहां यज्ञ हो रहा है वहां न जाकर घर के पीछे से जाओ और ब्राह्मणियों से कहो कि माता श्री कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। इसके बाद ये सखा वहां डरते डरते गए। तब ब्राह्मणियों ने आने का कारण पूछा। इन्होंने बताया कि हमारे कन्हैया को भूख लगी है और हम सब भी भूखे हैं, कुछ खाने को चाहिए। वे बोली सच्ची बात है। इन्होंने हां भर दी। ब्राह्मणियों ने कहा फिर चलो। सैकड़ों देवियों ने उन पकवानों से थाल भरा और चल दी। एक ब्राह्मणी को ब्राह्मण देवता ने नहीं जाने दिया। उस ब्राह्मणी को भगवान के वियोग में इतनी छटपटाहट हुई कि उसके प्राण निकल गए। वह पहले ही वहां पर जा पहुंची। जब वे थाल लेकर भगवान के पास पहुंची तो उन्होंने कहा स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्त उपन्मिदम ही वह। भगवान ने कहा महाभाग्यवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहां आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही नहीं है। भगवान ने उनका लाया हुआ नैवेद्य सखाओं सहित ग्रहण किया, फिर कहा तुम लोग क्यों आई, अब लौट जाओ। उन्होंने कहा हमारे घर वाले नाराज होंगे। भगवान ने आश्वासन दिया कि नाराज नहीं होंगे। फिर वे लौट गईं। उन्होंने भगवान को प्राप्त करने की जो आकांक्षा की तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उन्हें ब्रह्म सानिध्य मिल गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवान के श्रीमुख से बात कर ली। उनका दिया हुआ नैवेद्य भगवान ने स्वीकार कर लिया, उनको बड़े सुंदर शब्दों से अपना लिया। भगवान की अपनाई हुई इन देवियों में महान दिव्य तेज उद्भासित हो गया। उनके मुखमंडल और उनके अंदर से दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। वे जब ब्राह्मणों के पास पहुंची तब ब्राह्मणों को यथार्थ ज्ञान हुआ कि जीवन तो धन्य इन्हीं का है। ये धन्य हो गईं, हमारा यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों ने पश्चाताप किया कि कहां हम भगवान से विमुख हैं और ये भगवान के सन्मुख हो आईं। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे द्विजत्व को धिक्कार, हमारे व्रत को धिक्कार, हमारे ज्ञान को धिक्कार, हमारे कुल और हमारी यज्ञ क्रिया को धिक्कार है जो हम भगवान से विमुख रहे। भगवान को पाने की इच्छा करने पर जिस प्रकार की हमारी इच्छा होगी उसी प्रकार से उतने रूप में भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति में जो कुछ विलंब है, देर है, वह हमारी चाहत के अभाव का विलंब है, चाह की कमी का विलंब है। चाह की कमी जानने की कसौटी हम सबके पास है। हमारे मन में व्याकुलता है या नहीं,
जिस वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट चाह हमारे मन में होती है उसके अप्राप्त होने पर दुख होता है, बेचैनी होती है। किसी का पुत्र बीमार है, मरणासन है, तब उसको बचाने के लिए कितनी व्याकुलता होती है। किसी का हृदय फेल हो रहा है, तब उसको कितनी व्याकुलता होती है जीवन की। परंतु यहां सारा कर्म फेल हो रहा है, मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है, इससे बढ़कर जीवन की असफलता और क्या होगी। मानव जीवन का दिवाला निकला जा रहा है, यहां पर कुछ नहीं कमाया, सब कुछ खोकर यहां से जा रहा है, फिर भी उसको दुख नहीं होता, तब चाह कहां है। इसलिए अपने मन में भगवान की चाह पैदा करनी चाहिए। जितने भी साधन हैं वे सब चाह पैदा करने के लिए हैं। यह चाह धीरे धीरे पैदा होगी, भगवान के नाम से, जप से, सत्संग से, तीर्थ स्थान से, सबसे होगी, किसी का खंडन नहीं। परंतु ये केवल चाह पैदा करेंगे तीव्रतर रूप में भगवान से मिलने की। बहुत से लोग पूछते हैं कि भजन नहीं होता, क्या करें। भजन होता नहीं है या करते नहीं हैं, वे कहते हैं करना चाहते हैं परंतु होता नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती है। जिसको धन की चाह रहती है उसको धन की याद नहीं रहती, ये कैसे माना जाए। जो भूखा है वह भोजन को भूल जाए, ये कैसे माना जाए। सीधी बात तो यह है कि यदि हमारे मन में चाह है तो हम भूल नहीं सकते। यदि भजन की चाह है तब भजन हुए बिना रह नहीं सकेंगे। फिर यह प्रश्न ही नहीं बनता कि भजन चाहते तो हैं परंतु होता नहीं है। अवश्य ही भजन होने की चीज है, परंतु होने की चाह होनी चाहिए। भक्त को क्षण भर के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो उसे अपार दुख होता है। उसके मन में इतना धिक्कार आता है कि वह कहता है कि मेरे समान कोई पापी नहीं। मो सम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी एक दिन क्षण भर के लिए भगवान को भूल गए। उन्होंने विचार किया कि यह भूल क्यों हो गई। वे पश्चाताप करने लगे कि मेरे समान कोई पापी नहीं है, मोसम कौन कुटिल खलकामी। उन्होंने तीन बातें कही, कुटिल जानबूझकर टेढ़ा कर्म, कुटिल कर्म करने वाला, खल अर्थात दुष्ट, और कामी संसार के भोगों में फंसा हुआ। क्षण भर के लिए भगवान को भूलने पर ऐसा विचार आए।